ओके सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कि आप इस टाइप की इंस्टाग्राम स्टोरी आप कैसे डाल सकते हो जिसमें कि गाइस आपका मॉडल के पीछे जो है म्यूजिक के लिरिक्स चलेंगे एंड आपका मॉडल जो आगे की तरफ लगेगा एंड जो कूल एडिटिंग लगेगी एकदम। तो आप कैसे कर सकते हो गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में सारे स्टेप फॉलो करना एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है गाइस, यहां पे आप लोगों को पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना एंड स्टोरी वाले सेक्शन में आपको अपनी उस फोटो को पहले ऐड कर लेना जिसमें गाइस आप स्टोरी डालने वाले हो। तो फिर उसके बाद गाइस आपको जाना म्यूजिक वाले ऑप्शन में। म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग को आप यहाँ पे ऐड कर लेना है जिसकी गाइस लिरिक्स अवेलेबल हो वही गाने को आपको ऐड करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस आपको पता होगा इंस्टाग्राम में जो है काफ़ी सॉन्ग्स है जिनके मतलब कि लिरिक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे गाइस देखिए इसका नहीं है तो यहाँ पे मैं कोई गाना ढूंढ लेता हूँ जिसका जो मतलब कि लिरिक्स अवेलेबल हो। तो जैसे गाइस मैंने अभी एक देखा था थोड़ी देर पहले तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए ये वाला है, ठीक है ये हनी सिंह का जो सॉन्ग है ये वाला, हाँ ठीक है। तो इसमें लिरिक्स अवेलेबल है तो क्या करेंगे गाइज हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है तो अभी देखिए गाइज यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जो है गाइज लिरिक्स को ऐड करने के बाद आपको अपनी वीडियो को जो है सेव कर लेना है। ठीक है यहाँ पे सेव किस लिए करना वही मैं बताऊंगा आपको, तो आप लोग वीडियो को देखते रहना ध्यान से। तो जब ये गाइज सेव हो जाएगा आपको तो आपको सिंपली करना है कि आपको बैक आ जाना है एंड उसके बाद आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर में जाना है। ठीक है गाइज यहाँ पे आपको गाइज कुछ नहीं करना है, आपको गाइज यहाँ पे छोटा सा काम है गाइज मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है Adobe बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है गाइज यहाँ पे सिंपली इतना टाइप कर देना है, आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसमें गाइज आप लोग जैसे आप मतलब कि इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट मिलेगी। ठीक है मतलब वेबसाइट तो काफ़ी सारी होंगी उसमें बट आप उसको सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट को यूज़ करना है। ठीक है सारी Adobe की है तो सारी फ्री वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो पहले वेबसाइट में आपको क्लिक करना है एंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइज आप एक वेबसाइट के अंदर एंटर होंगे। ठीक है जिसमें ही गाइज होगा अपलोड इमेज। ठीक है आपको सिंपली इसमें अपलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे आप इसके ऊपर अपलोड पे क्लिक करोगे तो गाइज आपकी जो फोटो है जिसको आपने स्टोरी में लगाया था आपको सिंपली इस फोटो को इंपोर्ट करना है। यानी कि जैसे आप उसको इंपोर्ट करोगे तो गाइज उसका जो बैकग्राउंड है पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है ये गाइज आप जो है मतलब किसी ऐप में भी कर सकते हो पिक्सार्ट वगैरह में, बट गाइज मैंने सोचा क्यों ना आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा आप नहीं है तो आपको इतनी मेहनत क्यों करवाएगा गाइज, जो कि हम छोटे से काम में हो जाएगा तो आपसे इतनी मेहनत क्यों करवाए। तो गाइज इसलिए मैंने वेबसाइट में आपको समझाया गाइज। ठीक है अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उससे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है अभी हमारा इतना काम हो चुका है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड कर लेने के बाद आपको देखिए गाइज आप क्या करना, आपको स्टोरी वाले ऑप्शन में जाना दोबारा एंड अभी जो आपने वीडियो जो सेव की थी इंस्टाग्राम में आपको उसको लेना है गाइज। ठीक है तो यहाँ पे मैंने फोटो को ले लिया गलती से तो मैं वीडियो को ले लेता हूँ यहाँ पे। अब गाइज देखिए हमारी वीडियो है, अब गाइज देखिए यहाँ पे आपने जो सॉन्ग है वापस सॉन्ग वाले ऑप्शन में जाना है, जो सॉन्ग आपने सेव किया था पहले मतलब जो लगाया था उसी सॉन्ग को आपको वापस से लेना है। ठीक है मैंने यहाँ पे ले लिया। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसको जो है पहले यहाँ पे इस वाले लेयर में ले जाऊँगा एंड यहाँ से इसको हाइड कर दूँगा। ठीक है हाइड कर देने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन होगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो मॉडल है यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है तो आपको यहाँ पे अपने मॉडल को लेना है एंड कुछ इस टाइप से जो आपको अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है अब गाइस देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में जो है लिरिक्स चल रही है एंड आपका मॉडल फ्रंट में दिख रहा है। तो गाइस ये कितना कूल एडिटिंग लग रही है वाली। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो जो ट्रिक है बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गुड बाय।